आलिया भट्ट एंड यू आर वाचिंग मी ऑन 935 रेड टीवी. बजाते रहो. ये कहा जाता है कि यू नो जब भी लड़की 13, 14, 16 पे यू नो आती है तो स्किन में थोड़े पिंपल्स आने लगते हैं. उसका एक्चुअली कुछ साइंटिफिक मतलब एक्सप्लेनेशन है, हार्मोनल वो होता है. मैं बड़ी साइंस के बारे में बात कर रही हूँ मेरे नॉलेज के साथ. नहीं पर वही ऑफ कोर्स वो सीन होता है. और मैं छुप जाती थी बेड के नीचे जब मेरे फेस पे पिंपल आता था. रेयरली टच वुड रेयरली करती थी. मैं हमेशा ये कोशिश करती थी, लकीली माय मदर इज वेरी वेल वर्स्ड विद हाउ टू टेक केयर ऑफ योर स्किन, कि मैं हमेशा अपनी स्किन का ख्याल रखूं. एंड इट्स ऑलवेज वेरी वेरी हेल्पफुल व्हेन यू फाइंड अ फेस वॉश दैट सूट्स योर स्किन. यू हैव टू गो विद सो मच ऑफ मेकअप यू नो इतना कुछ. मैं एक्चुअली इतना मेकअप नहीं डालती और उनको दैट मच मेकअप जरूरत इन टर्म्स ऑफ बेस. आप मेकअप किस तरह के इस्तेमाल करते हो टू बी वेरी श्योर व्हाट ब्रांड्स यू यूज फॉर योर स्किन एज वेल व्हिच इज सूट योर स्किन एंड व्हिच आर नॉट हार्मफुल टू योर स्किन. मैं सुबह सुबह जिंजर लाइम और I take ginger, एक नींबू and little bit of cold water का juice पीती हूँ. That's first thing in the morning and then I have two of that throughout the day. That way basically वो आपके detoxification के लिए और body के लिए बहुत ही अच्छा होता है. That's why I said natural products बहुत ही important है. These natural things only keep your skin glowing. आपको medicine नहीं लेना पड़ता है. Okay. That's why the neem extract in the face wash helps with that to that extent. 3.5 Red FM.